हेलो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं वो चुटकियों में हैक हो सकते हैं, अगर एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड जीमेल, दोस्तों अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट को या इंस्टाग्राम अकाउंट को या अपने जीमेल आईडी को किसी दूसरे डिवाइस में अगर आपने लॉगिन किया है या दूसरे मोबाइल में अगर आपने लॉगिन किया है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो या आपका भाई हो, जिस भी डिवाइस में या जिस भी फोन में आपने उस जीमेल आईडी को लॉगिन या जीमेल आईडी को लॉगिन किया है या आपने अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन करके चलाया है ये कुछ देर के लिए, अगर आपके पास फोन नहीं है, अगर आपके पास की फोन की बैटरी लो हो जाती है, तो आपने सोचा होगा कि उन्हें अपना फेसबुक अकाउंट में अपने फ्रेंड के मोबाइल में एक्सेस कर लूँ यानी चला सकता हूँ। तो ऐसे में आपने सोचा होगा और आपने कई बार चलाया भी होगा, या अपना फेसबुक अकाउंट चलाया होगा, या अपना जीमेल आईडी को लॉगिन किया होगा, या आपने इंस्टाग्राम तो चलाया होगा। तो ऐसे में मैं आपसे कहूँ कि आपने जिस भी डिवाइस में या जिस भी मोबाइल में आपने उस फ़ोन में अपना अकाउंट को लॉगिन किया है यानी एक्सेस चलाया, अपने फेसबुक अकाउंट को चलाया या इंस्टाग्राम अकाउंट को चलाया है या आपने जीमेल आईडी को लॉगिन किया है, तो ऐसे में आपका अकाउंट है वो हैक हो सकता है। वो यूजर जिस भी डिवाइस में आपने लॉगिन किया है वो यूजर आपके यूजर नेम और पासवर्ड को आसानी से चुरा सकता है, तो ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप बोलोगे कि वो भाई वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो ऐसा करेगा नहीं, या वो मेरा भाई है वो तो ऐसा काम करेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया है किसी भी मोबाइल में या अपने फ्रेंड के मोबाइल में, तो वो आपके जिस भी डिवाइस में आपने लॉगिन किया है तो वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को आसानी से गैस कर सकता है। वो यहाँ तक कि तो आपके व्हाट्सअप, आप उसके व्हाट्सअप पे क्या क्या चैट कर रहे हो, मैसेंजर पे क्या ओपन किया है आपने, मैसेंजर पे आपने क्या चैट किया है, आपने गूगल पे क्या सर्च करा है, एक एक जो भी आप टाइप करते जाओगे उसे पता चल जाएगा। तो ये कितना रिस्की बन जाता है ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे भी कोई भी यूजर यानी कोई भी बंदा आपके अकाउंट को कैसे हैक कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलते मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे कोई भी बंदा आपके अकाउंट को हैक कर सकता है और ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आपने किसी भी डिवाइस में अपने फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट को लॉगिन किया है, तो आज के बाद आप किसी भी डिवाइस में या किसी भी मोबाइल फोन में आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलते मेरे मोबाइल के स्क्रीन। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है हैकर की लोगर। जैसे आप टाइप करेंगे हैकर की लोगर तो आपको फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी www.malavida.com। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ जाएगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो इस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड होने के बाद आपको इस तरह से नजर आएगी। तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आता है। तो आज जैसे आप ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा सेव डेटा और दूसरा है टाइप डेटा। पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप डेटा। तो टाइप डेटा का मतलब ये है कि जो भी यूजर यानी जो भी बंदा आपको जो टाइप करता है, अगर चाहे वो गूगल पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक हो, चाहे उसने फेसबुक में अकाउंट को लॉगिन किया हो यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो यहाँ पे आएगा। अगर आप उसे सेव करना चाहते हो तो आप उसे सेव कर सकते हो, आपको सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे बैक करते हैं, इसे हम एक्टिवेट करेंगे पहले। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन को हम एक्टिवेट करेंगे तो ये एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप नीचे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है हैकिंग मोड कैन नॉट बी एक्टिवेट सेट हैक कीबोर्ड ऑफ डिफॉल्ट। तो हमें इसे डिफॉल्ट में सेट करना होगा पहले, ये सेट नहीं है। तो हम इसे बैक आएंगे। तो बैक आने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड इनपुट में जाना है। तो हम लैंग्वेज एंड इनपुट में आ जाते हैं। लैंग्वेज एंड इनपुट पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कीबोर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सेट अप इनपुट मेथड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेट अप इनपुट मेथड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इसे इनेबल कर देना है हैक कीबोर्ड। तो जैसे ही आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपको इसे ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कीबोर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हैक कीबोर्ड पे टिक कर देना है। तो ये हैक कीबोर्ड पे जैसे आप टिक कर दोगे तो आपको इसे बैक आ जाना है।
बैक आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये एक्टिवेट हो चुका है, तो आप जो भी आप टाइप करोगे, चाहे वो आप गूगल में टाइप करो, फेसबुक लॉगिन करो, जीमेल अकाउंट को लॉगिन करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे चैट करो, मैसेंजर पे चैट करो, कहीं पर आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस एप्लीकेशन में वो सेव होता रहेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी एक एप्लीकेशन में चैट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीपीएस ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए इस चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बीपीएस ऑफिस को ओपन कर रखा है, मान फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपका फेसबुक अकाउंट है और आप यहाँ पर लॉग इन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करते हो, तो यहाँ पर आपने आपका यूजर नेम जो भी हो, जो भी आप टाइप करते हो आपका यूजर नेम हो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ, रैंडमली कोई एक पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और डालने के बाद मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ और आपको इसे बैक कर देना है। जैसे आप इसे बैक कर देंगे तो यहाँ पे आपको उसी एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ओपन एप्लीकेशन में जाना है। ओपन एप्लीकेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टाइप डेटा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हैकर किल होगा, तो ये जो हमने जो अभी टाइप किया है तो यहाँ पर वो सेव हो चुका है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो मैंने यहाँ पर आप टाइप करा वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो दोस्तों ये कितना खतरनाक हो सकता है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों मेरी यही एडवाइस होगी, जब भी आप किसी भी डिवाइस में लॉग इन करो या किसी भी फ़ोन में अपना यूजर नेम या पासवर्ड डालो या अपने जीमेल अकाउंट को लॉग इन करो, अगर आपका ये यूट्यूब चैनल है, आप भी किसी भी डिवाइस में अगर आप किसी भी फ्रेंड फैमिली या किसी भी डिवाइस में अगर आप लॉग इन करते हो तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, एक एप्लीकेशन की मदद से कोई भी बंदा यानी कोई भी यूजर आपके अकाउंट को चुटकियों में हैक कर सकता है और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने भी किसी भी डिवाइस में लॉगिन करते हो तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी यूजर आपकी डिटेल को आसानी से चुरा सकता है। और आप जो जो टाइप कर रहे हो, डिटेल तो नहीं, आप जो जो टाइप करते हो अभी, चाहे आप व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो आपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया हो, चाहे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन किया हो, चाहे आपने गूगल पे जो जो भी आपने टाइप किया है वो सारा का सारा उस एप्लीकेशन में सेव होता रहेगा, तो ऐसे में काफी ज्यादा रिस्की बन जाता है। तो आगे से आप ध्यान रखना कि जब भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करो तो ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और हम सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें।